अच्छा कैप्टन वाले अरे एका है खंडवारी का अली इलेवन रिजला इलेवन बताज इलेवन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता इस मैदान के अंदर दोनों खिलाड़ी काफी शानदार है मोहम्मद खुद है बुलाए गए रेहान कि पहले जो रिजला इलेवन थी वो पहले डिपेंड करते थे सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर वो थे सामा खंडवारी लेकिन अब पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है एक अच्छा मुकाबला चुनाई की टीम का हम देख रहे हैं अपने भीड़ सजावट को तरजीह दे रहे हैं मैं चाहूंगा कि टीपू जो हम देख रहे हैं कि बहुत मेहनत की इस नौजवान ने टीपू संदरी उस नाम है और आप देख रहे हैं कि अदनान संदरी है गुफरान है जिन्हें मंजू भाई कहते तमाम लोगों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत शानदार तरीके से किया है चलिए मैच का पहला ओवर डिलीवर हो मैं कमेंट्री के लिए लेके चलता हूँ अपने बड़े भाई इस सारे स्वागत आप आवाज के जादूगर साफर भाई के पास शुक्रिया सी बॉल अपने अनुसार है के पास पांच बॉल पांच का मुकाबला ये होगा अफसर कुछ चर्चित चेहरे हैं आज घर में और कौन बॉलिंग कर रहे हैं मजे पटेशी कुछ चार नमो ना मालूम है ना मुका और ये तमाम बच्चे खेलेंगे अगर क्यूटी के साथ आएंगे एकता के साथ आएंगे तो इनका जो ग्रुप बहुत प्यारा होगा और बाहर बाहर क्रिकेट खेलेंगे अगर यूटी नहीं बनाते रहेंगे दोस्त तो आपको ये खतरा है आप लोग अच्छे क्रिकेटर हैं अच्छी सोच पैदा करें और मिलजुल के रहें अपने गांव को बड़ा समझें छोटे को छोटा समझें जो बड़ा प्लेयर देश को बड़ा ही रहेगा उसको अपना आइडियल माने उसके साथ मिलजुल कर रहें तो आपका काम बनेगा और इस आश्रम के द्वारा पहले का नाम होगा और बड़ा होने के लिए दो साल में नहीं है 15-20 साल तक अच्छा करना होता तब कोई बड़ा होता है कि कितना मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी अपनी मंजिल पर पहुंचना भी खड़ा रहना भी बड़ा होना तो आसान है लेकिन इस मंजिल पर पहुंच के खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है उस मतलब तो जिससे लोग आपको सलाम करेंट करें पांच का मुकाबला है ये सिंगापुर जमीन है वही खाती है ये क्रिकेट सीखना चाह रही है कि वतन के खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे वतन के खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे मुझे यकीन है कायरल ले रहे नसीरपुर नहीं है भाई भाई ये ग्राम सभा मैच हो रहा है ये ग्राम सभा मैच हो रहा है तो कहाँ से उन्नाव के खिलाड़ी होंगे लाइक और शेयर करते रहे अरे यार तीसर की बलवा पता नहीं कहाँ से आ जाता अरे जा भैया जा तीन
देना ना कमेंट में तन को ध्यान दे तो रनिंग ये गड़बड़ा जाते कमेंट में खड़ा है। मैं संजयपुर में हो रहा हूं टॉस किया शुरू किया था और एक और दूसरा छक्का अभेश प्रभात टीमपुर 500 के नाम किसको दिया है 200 के नाम दिया वसामा को 200 रुपए के नाम वसामा को वसामा का अंतिम इनाम हो गया है 650 मिर्जा हमजा सौ रुपए के नाम वसामा पांड्या को दिया है मिर्जा हमजा शुक्रिया मिर्जा हमजा लेकिन बस ये चेंज लेके आई है भाई टिल्लू पूरे कौन पदार्थ और चेंज लेके आए दावत है भाई भाई आजकल के बल्लेबाजों को देख रहे हैं कितने रन बटे हैं किस तरह से कुटाई की बात हो रही है भाई उसके लिए माजरत वालेकुम अस्सलाम भाई सीसी की उपस्थिति खेल सकते की आज यहां पे सदरी कप जीतने की वजह से आया है रिजला 11 कंट्री कटारी अलीम साहब बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं उनकी टीम गिर रही है और ये एक और दूसरा क्या घूम घूम कर बस छुप छुप कर छक्का लगा रहे हैं पहुंचा है दोस्त इसी छह के साथ इसको जब पहुंचा 48 तक आए दो लगातार छक्का निकला है तीन लगातार हो गए तीन लगातार छक्के हो गए फिर एक पैसा पहुंचाए वालेकुम सलाम भाई खंडवारी खंडवारी से हो रहा है भैया और चौथा लगातार तीसरा है ना ऐसे पहले वाले 300 की टीम है कल आएगी क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला होगा थोड़ा तो क्या 45 कितना भुआ दस बॉल पे 50 पूरी अरे 50 हो गई 10 बॉल पे फिफ्टी पूरी या 10 बॉल पर 50 रन बना डाले हैं उसामा क्या हुआ हो बलिंगिया करे
बॉलिंग कहां दे रहा है भाई अदनान के साथ निकले हैं आप मैच देखने के लिए फिर काफी भागे अब चेन्नई की टीम डर रही है चलने के बारे कीजिए आइए इस टीम के ऊपर पैसा साटा बन गया करके सवाल पूछिए पहले बार से और क्योंकि रेहान सामने है वह सामान ना इस टाइप पे है भाई गाली गलौज मत करो वरना सीधा ब्लॉक करूंगा भाई आप किसी को भी गाली देंगे मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा भाई इतने आसान से कैच छोड़ रहे हैं 58 रन तो ये चुटनी ने क्रिकेट सीख रहा है अभी क्रिकेट सीख रहा है बस अगर इतने छक्का लगा 57 की 58 57 ये बाहर की तरफ खेलने के लिए भी चांस है गोल्डन चांस पर वसा बाबा चले अधेश प्रधान टीम की दूसरी गांव कहा टीम थी 200 रुपए के नाम देंगे अगर सवा 6,000 से का लगा दिया खेलू तो और ये फिर लगे सिक्के भटके हैं फिर बॉल डाल स्कोर 60 है स्कोर 60 है तो वसामा बिल्कुल तैयार है कि मैं छक्का लगाऊंगा कि बाप बचा कभी इधर तो कभी उधर जा रहा है तैयार है क्या 6,000 से करेगा तैयार होते हैं और ये अलाउद्दीन पट्टी शायद नहीं आई है तो ये 1,000 का इनाम और ये 200 रुपए का इनाम और ये 50 का इनाम बदल जमा नुमान नहीं है भाई नुमान की टीम नहीं है प्रधान जगजीवन 200 साहब ये नाम सही जगजीवनपुर के प्रधान आगे साहब 200 रुपए का इनाम दिया क्या जबरदस्त बल्लेबाजी वाली वसामा जो इनकी दिया तो सब बता दे जा रहा है यहां से एक और ये साफ बॉल कैच कैच हो गया आउट आउट हो गए वसामा इज आउट आउट हो गए मोरे में कैच खेल रहा है तारी साहब 200 रुपए की इनाम दिया है वसामा को लेकिन वसामा इज आउट वसामा इज आउट वसामा आउट हो गए जो एंट्री दिया था उससे कहीं ज्यादा पैसा ले लिया इस मुकाबले अभी फिर होगा मंजीर पट्टी के दो मैच के बाद हाँ इनिंग कहाँ कंप्लीट हो गई यार ये सारा पीए से कहा 2850 का इनाम वसामा का है मैच के पहले के बाद ले जाएंगे दोस्त अदनान और रेहान टोटल स्कोर दोस्त कितने हैं 67 यहाँ 67 रन मस्त हो वाइट दोस्त आज सब कुछ हुआ 6 लगातार छक्के लगे 3 लगातार छक्के लगे हैं कि कुल 4 छक्के लगे और पाकिस्तान के एक और पांच स्टॉक हो रहा है फिर बॉलिंग में आते हैं और फिर बॉल में क्रॉस कर जाएगी तो इसी 4 के साथ इसको लिया पहुंचा है अब यहाँ पे 71 11 बता दें जो मोटरबाइक उसको हटाए जो लोग मोटरबाइक लेके देख रहे हैं प्लीज अपनी मोटरबाइक को कहीं दूर खड़ी कर दें कहीं जगह लेकर खड़ी कर दें बड़ी मेहरबानी होगी इसको लिखा होता है तीसरा बार इसको लिखा होता है और बेहतरीन स्ट्रोक के लास्ट में तला नाम चार जादापुर और सचिनी टीम कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करे टीम कैप्टन सचिनी टीम कैप्टन जादापुर कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करे 75 रन 75 आउट है का इनाम वसामा
बताओ कितना भवा टोटल? टोटल भवा 71 रन, जीरो फिर चौका चौका जीरो चौका चौका भाई क्या फेंकी और लूट लिया थी करमैनी है, करमैनी का कल है भाई और मिर्जा आसिफ बेग उस वीर अजीम नसीम हॉफ मैन का खेल भी छाव में सभी बुरा लिया कर दिल कर कर लिए ना अच्छा योगदान है। मैं आपका दिल कर और आपका दिल कर रहा हूँ। एक बेहतरीन क्रिकेटर बॉस पर रहा हूँ। मिर्जा आसिफ बेग का दिया जाए खुल का अंक तैयार के बाद के लिए यादान के लिए और एक मतलब फिर अपना भी ऊंचा स्टोर कर रहा है। केस की संभावनाएं बढ़ रही है और ये भाई ये ग्राम सभा मैच हो रहा है, सारे खिलाड़ी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ही है ज्यादातर। बहुत कैच छोड़ी भाई साजिद भाई तुम्हारी टीम भाई कैच बहुत छोड़ा तुम्हारी टीम ने साजिद भाई। लेकिन कम से कम उनका हाथ या तो रहेगा। वह समझते कि मेरा जो रिस्पॉन्सर है जिस नाम से मैं खेल रहा हूँ वो भी मेरी हौसला अफजाई कर रहा है। तैयार है रिवाज अंक के साथ रिकॉर्ड करेंगे कुछ सोच समझ के अपने खेल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हासिल किया और मान भी तो पहुंचे और माय गॉड वन मोर ब्यूटीफुल हैंडसम स्टॉप बाय अदनान नाउ 98 97 एक पकड़ है दोस्त वॉलंटियर एक पकड़ रहे हैं। खंडौली पहले पहले पता कि वसामा आउट अगर 20 पे आउट हो रहा है वसामा तो 38 से 40 पे टीम खत्म हो जाएगी। अब अपना क्या है एक नया समा पैदा हो रहा है खंडौली में दूसरा वसामा आ रहा है। ये भी तबक्के बल्लेबाजों का नजर आता है ना 97 रन बन चुके हैं 97 और 4 ओवर तो हो चुके हैं। नसीरपुर में ही है भाई अभी नसीर मंजीर पट्टी एक मैच जीत के बैठी है अभी उसका लीग मैच पूरा हो जाएगा चारों उसके बाद होगा। 104 का जो बनाया था 5 रन में उससे आगे निकलेगा खटवारी मंजीर के अलावा 105 का टारगेट दिया था तो 97 बन चुका है। मेजर आसिफ बेग वीर सावाज लेफ्ट बैटर है अजीम नसीम खान सुल्तान भाई आपका भी शुक्रिया। तैयार होते हुए घूम कर खेला छूम कर खेला फील्डर मौजूद आते हैं। ईट मिलेगा स्कोर 98
के दौरान सामना करेंगे। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मोमेंट में जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे एक अपील, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है, ओसामा का पहला मैच, खंडवारी का यह पहला मैच, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। और ये ओहो, आप आवाज भी जी हम लगता है कहेंगे हाँ ने कहा 105 105 105। भैया क्या बता दे, जैसे कहा गया तो कोई बाउंड्री नहीं आई है भाई। जवाब किसका किसका जवाब दिया जाए भाई, मैं भी सब कुछ जानता हूँ लेकिन हालात के साथ खेलना भी जानता हूँ। 105 जादापुर और सिजरी टीम भाई, फिर से पूछ लो, कमेंट ऊपर चला गया है। ये खराब व्यक्ति घूम कर खेलना चाह, नो बॉल कैसा आएगा? जी हाँ, नो बॉल, एक रन 106 ऐलान। भाई संजरपुर कल खेल चुकी है, कल उसका क्वार्टर फाइनल मैच होगा, गुडियार और एक क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा खुरासो बनाम। खुरासो बनाम करमैनी दूसरा से क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। ओसामा का भाई वही तो बताया, खंडवारी का पहला मैच है भाई। आज आने वाले मेहमान एच एम ग्रीन सिटी आने वाले हैं। नहीं भाई, कोई लड़का खाली नहीं है। आकिब जो लाइव दिखाता था वो बनारस गया हुआ है किसी काम से, और हारून का अभी फाइनल नहीं हुआ है वहाँ पे जो हो रहा है, मुझे आना पड़ा यहाँ पर। हाँ कपिल भैया, अरे रन आउट हो गया, खेल चला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं कुर्सी कुर्सियां छोड़ दें, जो छोटे बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं छोड़ दो, दौड़ बैठने का मौका दें। और हर मैच में दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच बाबर सचिन, बाबर आज भी जुड़े रवि सिक्सर के आने वाले हैं। इस मैच का एंजॉय करने के लिए मैं उनका भी शुक्रिया, असना क्लॉथ स्टोर आदि भाई आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे हैं। लोटस एयर टिकट पीवीटी लिमिटेड दिल्ली से आने वाले हैं बाबर आजमी साहब इस समय में। एक सौ 113 पे जीत है भाई। बाबा पठान चंगीर सिटी, रेहान संजीव सिंह ग्रुप, आमिर तखार आशीष ग्रुप, शाहिद शेख सिंह, फैसल प्रधान, फहीम प्रधान। अलाउद्दीन पट्टी शायद नहीं आई है टूर्नामेंट में, हारी है ना? अच्छा आज है, हाँ भाई आज है। खरेमा बना खेतासराय बनाम अलाउद्दीन पट्टी चौथा मैच, ये दूसरा मैच चल रहा है, इसके बाद तीसरा मैच फिर चौथा मैच। मेहमान जो हमारे हैं वो पूरी मेरा चेहरा नहीं है,
आजमगढ़ में जो क्रिकेट खेला होगा 1995 से लेकर 2008 तक मेरा कमेंट ऊपर ना जाए उससे पहले पढ़ लिया। अरे भाई रहमत भाई आप थोड़ा कम कमेंट करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यू बहुत है भाई, आप भाई हैं हमारे, आप थोड़ा कमेंट कम करेंगे तो कोई बात नहीं होगी भाई। Thank you.
शफीक साहब है, ये तमाम लोगों का मैं दिल्ली के हवाले से वेलकम कर रहा हूँ। इस समय में सब कुछ है, बस हमारे मेहमान आएंगे तो मजा आएगा। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। संजयपुर जिसके लिए जाना जाता है वही काम कर रहा है। हमें सामने का पैगाम देने वाला ये गांव कलम के साथ लगा रहता है, खेल के साथ लगा रहता है, सियासत नहीं करता है, दिल में दुख नहीं रखता है, हमेशा दोस्ती का पैगाम देने वाला है। ये गांव और ये खेल और ये जरूर ये ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट है, लेकिन इस ग्राम सभा टूर्नामेंट के मैसेज दिया है कि तरीके से करने से कराया जाए, तरतीब दिया जाए। ये झंडे हमारे कमल कर रहे हैं, ये लहरा रहे हैं कि वतन की आग में कर्जा बाहुल स्पोर्ट को फॉलो कर दीजिए, न हिंदू लिखना न मुस्लिम लिखना, फकत हिंदुस्तान लिखना। कस्बा माहौल स्पोर्ट को लिखना तो सिर्फ हिंदुस्तान लिखना, कस्बा माहौल स्पोर्ट को फॉलो कर लीजिए। जितने लोग भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिए संजरी कप का लाइव दिखाया जा रहा है और आज खंडवारी खेल चुकी है। अभी सेकंड राउंड में बहुत टॉप टॉप के मुकाबले खेले जाएंगे और कल यहाँ फाइनल खेला जाएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक कस्बा माहौल स्पोर्ट को फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से लाइव चल रहा है बाकायदा एकदम। आप लोग से गुजारिश है कि नया पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, लाइव ज़्यादातर इसी पे चल रहा है। सभी भाइयों से गुजारिश है पेज को फॉलो कर लीजिए, कस्बा माहौल स्पोर्ट। तमाम का शुक्रिया और भाई ग्राम सभा मैच में सारे खिलाड़ी एक ही गांव के खेलते हैं, दूसरे खिलाड़ी के नहीं खिला सकते हैं। अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट होता 7-2, 7-4, 9-2 मुकाबले में आए हैं। इस मुकाबले को देखने के लिए
के दिन महूम के बहुत है ना। एक सौ चौदह रन निकलने से काफी झाकर रहे थ्री टीम खंडवाली के सामने हम देख पा रहे हैं एक विशाल सा लक्ष्य दिया है ओसामा ने यहाँ छप्पन रन और रेहान अदनान ने बड़ी शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। स्कोर बोर्ड 114 रनों की जरूरत है। रिजला देवे की जो टीम है हम देख रहे हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस मुकाबले में। ओसामा खंडवाली जिसे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 क्यों कहते हैं इनकी फिटनेस इनका एक और बॉलर अपना मौका हुआ कहा राहुल क्षमता को देखते हुए इसे भी चला अदनान इस वक्त हम देख रहे हैं काफी दबाव में बल्लेबाजी कर रही है विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप एक साठ का पॉइंट को लगा रखा है एक कवर एक्टर एक खिलाड़ी मौजूद है थोड़ी सी सेटअप लेने के लिए इस बार भी थोड़ी सी की थी हालांकि पहले का इनसाइड एज लगा है गेंद के लिए सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की तरफ जहां पर हम देख पा रहे हैं आसानी के साथ ये रन पूरा कर लिया है इस तरह आ रहा के मारे रहा पहले ही देख मारे दो ही रन मिली तब ना दो रन लिए बाबू उसी बीच एक और उठता हुआ स्ट्रोक लगाया है लेकिन अब देख रहे हैं क्या बढ़िया काम किया है वहां पर अगले फील्डर के द्वारा उत्तामा को सफलता मिली है। चौका का वाला है चौका का वाला टीम ग्राम से बाखंड वाली इलेवन के लिए इस वक्त खेल रहे हैं जो अलीम भाई की टीम है क्या शानदार परफॉर्मेंस कर रही है खिलाड़ी और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से मैं कह रहा था कि पूरी टीम की पहले रिलायबल होती थी सिर्फ एक खिलाड़ी होते थे सामा अब ये चीज नहीं रही अगले मैच में लिख दूंगा भाई जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाया पीछे आप बोली है पीछे बैठ के देखा अतहर ने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है की संभावना है यहाँ देखना है ओसामा की हैट्रिक होती है या नहीं क्या विकेट दिए मोबाइल हेल्थ केयर 100 रुपए का इनाम दे रहा है और रोहन सदरी साहब 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं साथ ही साथ ग्राम प्रधान जनाब आमिर सदरी साहब भी 200 रुपए का इनाम दे रहे हैं टोटल 500 रुपए का इनाम है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं भाई नमो का है अभी हैट्रिक क्रिकेट पर है क्या ये करिश्मा बात करें दुनिया है क्रिकेट से बात अंगद वसीम अकरम एक मात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में टेस्ट और ओडीआई दोनों में हैट्रिक पूरी की है। अच्छी गेंद अगर स्टंप्स को छू जाती तो कहीं ना कहीं टीम के जो अच्छे खिलाड़ी है ओसामा उनके लिए फायदा हो सकता था कम से कम 500 रुपए की धनराशि जीतने का उनके पास सामना मौका था उससे चुके हैं इस बार एक और आउटफिटर गेंद बाहर से निकलती हुई निकली है कई ऐसे दास्तानों में लेकिन आज जो मुकाबले होने हैं मैदान के चारों तरफ मैं दर्शकों को एक बार फिर खुशामदीन कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ नमस्कार कहता हूँ कि आप तमाम लोग खेले हुए इस सेंचुरी कप में जो ये मजमा जो ये मेरा लगा है ओवर की तरफ हम बात करें ये दूसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 21 रन 114 के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी हुई टीम चुकी 21 रन में है एक ऐसी टीम उभर कर आई है जैसे हम बात करें तो बहुत शानदार टीम बनी हुई है खंडवाली नसीरपुर राजापुर सिकरौर कुछ ऐसी टीमें नहीं है जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है इस सीजन में
अपने खेल में निरंतरता रखी है, लगातार अपने खेल को अच्छा दिखाने का प्रयास किया है हर टीम के सभी खिलाड़ी ने। हाँ भैया, जो साल का जो शुरू का जो सत्र था उसमें रेहान भाई हेलो गुजरने को है, अपनी फॉर्म को वापस ले गए पकड़ी है, इसी बीच लगाने का प्रयास किया है। क्या कर रहे हैं रेहान भाई? नमो का नहीं भैया, नहीं नहीं लगा है, माहौल लगा है, उस सरायमीर की दुकान है। नहीं नहीं उस सरायमीर में दुकान है, तू जय्यत देख ले। ये है 26 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, संजय को 6 ओवर पर सारी सुविधाएं दी जा रही है जो भीरू भाई है। ये भी ख्याल लाजवाब क्रिकेटर पे, अपनी गेंदबाजी से, अपने स्विंग से, अपने ले में हमेशा रहते थे और क्या जादूगर क्रिकेटर थे। और सुल्तान संदरी साहब जो रेहान संदरी साहब के भाई है, क्या वो शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान आज उन्होंने अवार्ड भी दिया है। तमाम खिलाड़ी को स्कोर है 26 रन बोर्ड पर लगे हुए। आज हमारे कई मेहमान खास जो इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आने वाले हैं, बंद कर दो कार। आप अपना कीमती है कई बाल भाई देने के लिए नदीम जनाब, नदीम शेख साहब साथ में जाहिद भाई आवाज जनाब, आमिर चंद्री साहब, कैसर चंद्री साहब, विजय ग्रीन सिटी, अबु सईद साहब, साहिद चंद्री साहब, जिंदा आज आगमन होना है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। गेंदबाजी के लिए इसे देख रहे हैं हलीम भाई है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी उस वक्त ऐसा प्रतीत होता था कि अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, पूरे राउंड ऑफ अफसर है, सही तरीके से गेंदबाजी को डिलीवर करते हैं और काफी सुधार हुआ है, काफी नियंत्रित टीम मुझे नजर आ रही है, संतुलित टीम नजर आ रही है। 56 रन, अब ये जो टीम है वो सिर्फ एक खिलाड़ी को निर्भर नहीं है, पूरी टीम को बचाकर प्रभावित कर रही है, इतना ही वक्त जिससे ये टीम अब धीरे धीरे चेन्नई के जहां पर देख रहे हैं तमाम खिलाड़ी भी मौजूद है, वहां पर हम देख पा रहे हैं कई कई और भी के बाद है खेता सराय का को लाइव देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा क्रिकेट कर रहे हैं, वर्ल्ड बॉल का साथ
भाई अभी तो आपके सामने अनाउंस हुआ है कि इसके बाद जागापुर का मैच है, थोड़ा कमेंट्री में भी ध्यान दिया करिए। इकतालीसाल भाई है अपने अजीब नजरों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये खाना हमेशा से एक डॉक्टर के लिए जाना गया, एक अच्छे पायलट के लिए जाना गया। अभी और ये वाइट बॉल कैसा इस बच्चे का लोग ऑपरेशन देखे और सब ऐसे के बाद मत लाया करें, इसे बिल्कुल भी बदलना चाहे अच्छा ऐसे साथ दिखा देगा आपके पास ये बात है बिल्कुल नए बच्चों को हौसला दे या क्रिकेट खेले आगे कर आपका नाम है ऐसा ना हो कि आप कहीं तनाव में आ जाए। अभी ये बच्चा अभी क्रिकेट सीख सकता है अगर यहीं से हौसला में गई कि आप बेबाजी करिए आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर अपना ऐसा कभी सुधारे गए ऐसे सुधार कराने की कोशिश करें बच्चों को। आउट एक और आभार मिला है यहाँ पे और अब कौन सा बल्लेबाज आए बच्चों ठीक है जादापुर एक मजबूत टीम है एक अच्छी टीम है सचिनी भी एक अच्छी टीम है दोस्त प्रेक्षकों में गुरुपुर का पावर हाउस में खेल दिखाया था और रतन सिंह जैसे मजबूत टीम को सेमीफाइनल में हरा कर प्रवेश किया था फाइनल में। रायन है जयेश कोटेदार है वो नाप तौल के गेंदबाजी करते हैं जयेश जयेश कोटेदार है पूरी नकली प्ली गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए आज कितनी नकली प्ली गेंदबाजी करेंगे और जादापुर कैसे बल्लेबाजी करेगा तो रेज एंड कंपनी एक बेहतरीन टीम द्वारा है जादापुर और मिला क्या ऐड करे कोई जागापुर का मोर पास आई है ना जाए ना चले कि इतनी जल्दी ले जाई ऐड करे यार कहां है देर हूं ना ऐड तो करे जागापुर का ऐड किए हो मैं अपना 2850 का नाम है। हां बेटा वो करे यार आप ही पीर साहब का हासिल लगा होगा बंद किए 2850 का इनाम है आपका प्लेयरशिप ट्रॉफी।